खबर रायपुर से देखें, जहां पर राजस्थान की राजनीति पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान सरकार को अस्थिर करने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति तक पहुंचाने की मांग की गई है। पूरे देश में कांग्रेस से प्रदर्शन कर रही है। तो 18 दिन से लगातार जो राजस्थान की राजनीति के जो दिन ब दिन समीकरण बदलते जा रहे हैं, उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत और फिर भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को लेकर जिस तरह से ये जो आए दिन समीकरण बदल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश की बात की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर भोपाल में क्योंकि लॉकडाउन है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर अब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पे कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा है, राजभवन पहुंचा है। आपको बता दें, राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाने का। ये जरिया इन्होंने बताया है कि जिस तरह से जो राजनीति में चल रहा है, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किए जाने की कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र की हत्या का आरोप, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर लगाती है, लेकिन आज तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या कर कौन सा दल रहा है।